पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर पीएम अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित यह सम्मेलन 7 अगस्त 2024 तक चलेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में 65 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। 8 से 10 अगस्त के बीच जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगी चुनाव आयोग की टीम। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के खबरों के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाईईबी खुरानिया दोनों को वर्तमान पद से हटाया गया। हटाने के आधिकारिक वजह का खुलासा भी नहीं हुआ। गृहमंत्री शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ रखा प्रस्ताव। यह प्रस्ताव वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर अमित शाह के बयान के खिलाफ था। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। फैसला आने तक एएसआई के सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लगने वाले 18% जीएसटी खत्म करने की मांग की। गुजरात में राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 9 अगस्त से कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल प्रियंका और खड़गे होंगे शामिल। कर्नाटक में आज से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र की बेंगलुरु मैसूर पदयात्रा। एमयूडीए यानी बेंगलुरु मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी सहित दूसरों को भूखंड आवंटित करने में कथित गड़बड़ी के खिलाफ है ये पदयात्रा। बीजेपी का दावा 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का है एमयूडीए घोटाला। बीजेपी ने पदयात्रा में शामिल होने के लिए जेडीएस को मनाया। पूजा खेड़कर के बाद अब कुछ और आईएएस अफसरों पर गिर सकती है गाज। 6 अफसरों के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच शुरू। इन अफसरों में प्रोबेशनर और सेवारत अधिकारी शामिल। दिल्ली के शेल्टर होम आशा किरण में पिछले 20 दिन में 14 बच्चों की मौत। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दिए जांच के आदेश। फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन। दिल्ली के शेल्टर होम में मरने वाली महिलाओं में ज्यादातर मानसिक रूप से कमजोर। मामले को लेकर मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर में हुई मौतों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर निशाना। बोले संवेदनहीन है सरकार। बच्चे हो रहे हैं बीमार, नहीं मिल रही दवाइयां। दोषियों को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस महासचिव नीतू वर्मा सोइन का केजरीवाल सरकार पर निशाना। जिम्मेदार मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। कहा आशा किरण शेल्टर होम में मौतें नहीं हत्याएं हुई हैं। आशा किरण शेल्टर होम मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान। कहा ज्यादातर मौतें दूषित पानी की वजह से डायरिया से हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। कहा आशा किरण शेल्टर होम में 250 महिलाओं के रहने की जगह है लेकिन यहां करीब 449 रखी गई महिलाएं। अयोध्या रेप पीड़िता की मां से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी का एक्शन। अयोध्या के थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। सीएम बोले आरोपी है सपा सांसद का करीबी। गैंगरेप की एक घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी से रेप करते रहे।
अयोध्या में गैंगरेप का मामला यूपी विधानसभा में भी उठा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी का आईना दिखाया। कहा दुष्कर्म का आरोपी एसपी सांसद का करीबी है, लेकिन पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, केरल समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी। पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही में अब तक 325 से ज्यादा लोगों की मौत, लगभग 300 लोग लापता। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे, इन्हें सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर, फाइनल में पहुंची मनु भाकर। लक्ष्य ने सेन जीता क्वार्टर फाइनल। और हॉकी में ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद हराया। टाई हो गया भारत श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच, भारत श्रीलंका दोनों ने बनाए। दिल्ली राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने कहा सीबीसी के एक अधिकारी की निगरानी में जांच होगी ताकि लोगों को जांच पर शक न हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच के तरीके पर पुलिस को फटकार लगाई। जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में फेल रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे में एसयूवी के ड्राइवर मनोज कथुरिया को 30,000 कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से किया गया रिहा। कथुरिया को तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार शाम मोमबत्ती जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में आपदा से अब तक 13 लोगों की मौत, 1,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में फंसे, रेस्क्यू में जुटी टीमें। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही, शिमला, कुल्लू, मंडी कई गांव प्रभावित, सड़क और घरों को भारी नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। तस्वीरें कुल्लू मनाली राजमार्ग की हैं, यहां रोड मरम्मत के काम शुरू कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में श्री कंकलीता शक्तिपीठ मंदिर में बारिश के बाद जलजमाव। झारखंड की राजधानी रांची में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण जलभराव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। झारखंड में कहीं कहीं बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ की टीम ने रांची के सदर थाना क्षेत्र के निचले इलाके से 35 लोगों को बचाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर आज राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की दी जानकारी। मौसम विभाग ने आज झारखंड में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाढ़ और बारिश के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। बाढ़ से उफान रही सिवनी नदी को पार करते बड़ी संख्या में नजर आए कांवड़िए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में दो कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत।
आज दो दिन के दौरे पर गोरखपुर आएंगे यूपी के सीएम योगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 55 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री एमबीबीएस और पैरामेडिकल के छात्रों को टैबलेट और स्मार्ट फोन देंगे। टोगो के मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों और सलाहकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले जातीय जनगणना करने वाले जाति पूछने पर हो जाते हैं आग बबूला, नहीं चलेगा यह दोहरा चरित्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले बीजेपी विपरीत विचारधारा के लोगों को बनाती है दुश्मन। 10 साल से विरोधी आवाज को कुचल रही है मोदी सरकार। नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ है, यानी इस परीक्षा में नहीं मिली सिलसिलेवार गड़बड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट यूजी में केवल पटना हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी के सबूत, एक्सपर्ट कमेटी एनटीए की खामियां पहचाने, एसओपी बनाए। नीट पेपर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा सत्य की हमेशा जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री ने कहा झूठ के बादल कुछ समय के लिए सत्य के सूर्य को छिपा सकते हैं, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में दो नौकाओं के बीच टक्कर, एक नाव पलटी, नाव में सवार 9 लोगों में से 8 को बचाया गया। अयोध्या के सीनियर एसपी राजकरण नैयर ने कहा कि सरयू नाव हादसे में 8 यात्री और नाविक का रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला यात्री की तलाश जारी है। यूपी के बाराबंकी में नकली नोटों का धंधा करने वाले दो व्यक्ति गिरफ्तार, हजारों रुपए के नकली नोट बरामद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग घायल। अधिकारियों के मुताबिक 3 मंजिला बिल्डिंग में एक कपड़ा फैक्ट्री चला रहा था, जब इमारत ढही तो उसके अंदर मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के वजीराबाद थाने के मालखाने में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, आग से भारी नुकसान की आशंका। बिहार में वज्रपात से पटना में 3, औरंगाबाद में 3, नवादा में 1 और सारण में 1 व्यक्ति की मौत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। भागलपुर में दिखी दारोगा की पत्नी की दबंगई, बेटे को धक्का मुक्की में चोट लगने पर स्कूल वैन को रोका, आरोपी बच्चे को पीटा, माफी मंगवाई, स्कूल ने बुलाया तो नहीं आई महिला। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना तीर्थयात्रियों का यह जत्था श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से पालताल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर आदि और महोत्सव में नटराज मंदिर के सामने हुई तिरुविल्लक पूजा। मेघालय के शिलांग में मुख्यमंत्री कोनराड के संगम ने टूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आज 8वां दिन, आज भारतीय खिलाड़ी स्किट शूटिंग, 25 मीटर एयर पिस्टल, महिला तीरंदाजी, सेलिंग, महिला डिंगी रेस और मुक्केबाजी के मुकाबले में देश के लिए पद लाने की कोशिश करेंगे। पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन आज एक बार फिर महिला निशानेबाज मनु भाकर से पदक की होगी उम्मीद, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी मनु। आज दोपहर 12:30 बजे महिला स्किट शूटिंग क्वालिफिकेशन में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। भारतीय निशानेबाज रईजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान, देश को दोनों महिला निशानेबाज से पदक की उम्मीद।
आज दोपहर 1:52 पर भारत की अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी का प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जर्मनी के मिशेल क्रोपेन होगा और महिला तीरंदाज भजन कौर भी आज दोपहर 2 बजे प्री क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करने उतरेंगी। महिलाओं की डिंगी प्रतियोगिता में आज भारतीय चुनौती पेश करेंगे नेत्र कमानन। बता दें कि पुरुषों और महिलाओं की डिंगी प्रतियोगिताएं एक जैसी ही चलती हैं। ये खेल कई दिनों तक चलने वाली 10 रेस के साथ शुरू होता है। पेरिस ओलंपिक खेलों के 8वें दिन आज दोपहर 3:45 पर पुरुषों की डिंगी रेस में विष्णु सरवन भारत की चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में हुई पुरुषों की डिंगी रेस 4 के बाद 22वें स्थान पर रहे। आज रात 12:18 पर भारतीय मुक्केबाज निशांत देव 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मार्क के वरेडी से मुकाबला करेंगे। अगर निशांत यह मुकाबला जीतने में सफल रहे तो वह कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लेंगे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। ओलंपिक हॉकी के इतिहास में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को दी मौत। भारतीय टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, 1 गोल अभिषेक ने किया। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से भारतीय टीम की होगी भिड़ंत। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। इन्होंने क्वालिफिकेशन इवेंट में 2रे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक मेडल टैली में चीन की टीम 12 गोल्ड 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर 1 है। दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 44वें स्थान पर। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने से चूके तीरंदाज धीरज अंकिता की जोड़ी अमेरिका जोड़ी ने 6-2 से हराया। बैडमिंटन की मेंस सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचे इंडियन शटलर लक्ष्य सेन ओलंपिक खेलों के इतिहास में इस कैटेगरी के टॉप 4 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने लक्ष्य सेन। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मैच में चीनी ताइपे के चाउ टीएन चेन को 19-21, 21-15 और 21-12 से हराया। भारतीय शॉट पुटर तेजिंदर पाल सिंह टूर एथलेटिक्स के मेंस शॉट पुट इवेंट के फाइनल में जगह बनाने से चूके। क्वालिफिकेशन इवेंट के पहले प्रयास में 18.5 मीटर का किया स्कोर। भारतीय धावक पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी महिलाओं के 5000 मीटर रेस के पहले राउंड से हुई बाहर। पारुल ने अपना सीजन बेस्ट का समय दर्ज किया। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच टेनिस के मेंस सिंगल्स इवेंट के फाइनल में पहुंचे। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से होगा मुकाबला। चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी लियू युचेन ने अपने गर्लफ्रेंड ह्वांग याकियोंग को ओलंपिक ग्राउंड में किया प्रपोज। बता दें कि याकियोंग ने चेंग सिवे के साथ बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे हो गया टाई। टीम इंडिया को आखिरी 15 बॉल पर चाहिए थे 1 रन, लेकिन श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने आखिरी ओवरों में 3 विकेट लेकर मैच पलटा। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने 48वें ओवर में 2 गेंद पर 2 विकेट लिए और भारत को 230 पर कर दिया ऑल आउट। भारत ने बगैर नुकसान के 75 रन बना लिए थे, जिसके बाद भारत के दोनों ओपनर्स शुभमन गिल और रोहित शर्मा को वेला लागे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 39 रन देकर 2 विकेट छटके। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। एक वक्त था जब 159 रन के स्कोर पर भारत ने 7 विकेट गंवा दिए थे। टीम को 34 रन की जरूरत थी। शिवम ने पारी संभाली। उन्होंने एक एंड से रन बनाने शुरू किए। 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 230 के स्कोर तक टीम को पहुंचाया।
सीरीज का दूसरा वनडे आज कोलंबो में ही खेला जाएगा। पहला वनडे हारने के बाद टीम इंडिया आज सीरीज में जीत हासिल करने के मकसद से मैदान में उतरेगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 886 अंक लुढ़क कर 80,982 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 293 अंक फिसलकर पहुंचकर 24,718 पर बंद हुआ। बैंक, आईटी और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में देखने को मिली जबरदस्त गिरावट। इस बार 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनाई नई कर प्रणाली। 59 लाख लोगों ने पहली बार दाखिल किए इनकम टैक्स रिटर्न। सरकार की नई आयकर व्यवस्था से लघु बचत ने पकड़ी सुस्त रफ्तार। सुकन्या समृद्धि खाता और पीपीएफ जैसी योजनाओं पर भी दिख रहा असर। योजनाओं में आई निवेश की कमी। जगुआर लैंड रोवर ने कहा हमारे लिए फायदेमंद नहीं केंद्र सरकार की ईवी नीति। हालांकि जेएलआर भी तैयार कर रही है नई इलेक्ट्रिक कार। इसके शुरुआती नमूने के रोड टेस्टिंग का काम जारी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महाविपक्षी गठबंधन बनाने की तेज की कवायद। सरकार विरोधी आंदोलन को मजबूती देने के लिए तहरीक तहफूज ए अयान ए पाकिस्तान का विस्तार करने का इरादा जाहिर किया। सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए इमरान खान सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाएंगे। अपने समर्थकों से स्वामी में आगामी 5 अगस्त को होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर एकजुटता दिखाने की भी इमरान की अपील। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में सड़क पर उतरे हजारों बलूच प्रदर्शनकारी। मानवाधिकारों के हनन और संसाधन शोषण के आरोपों पर सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में चीन ने कई प्रोजेक्ट में किया है निवेश। वहीं स्थानीय लोग चीन की परियोजनाओं का शुरू से करते आए हैं विरोध, जिससे चीन की सीपीईसी परियोजना खटाई में पड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर विश्व रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वर्ष 2022 में पाकिस्तान की 59% आबादी स्वास्थ्य आहार से वंचित थी। खास बात यह रही कि 2017 के मुकाबले यह आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ गया है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की होंगी उम्मीदवार। मेजोरिटी डेलीगेट्स का सपोर्ट। कमला हैरिस को मिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की चेयर जेमी हैरिसन ने कहा है कि 4,000 डेलीगेट्स में से मेजोरिटी वोट्स कमला को मिल चुके हैं और 1 अगस्त से शुरू हुई वोटिंग 6 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद ही उनकी जीत की आधिकारिक घोषणा होगी। अमेरिकी विमान ने यात्री निकोल्स केपको ने महिला स्टाफ से की बदतमीजी। फ्लाइट अटेंडेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। विमान में चढ़ते ही आरोपी ने शर्ट उतार दी थी। ई सिगरेट पीने लगा। महिला क्रू से अश्लील बातें करने लगा। उसने प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिसके बाद क्रू मेंबरों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर उसे पुलिस के हवाले किया। 2030 तक दुनिया से भुखमरी मिटाने का लक्ष्य हुआ मुश्किल। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर विश्व रिपोर्ट 2024 में इस बात के दिए संकेत। रिपोर्ट के अनुसार लोगों को अभी भी नहीं मिल रहा है पर्याप्त खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ आहार। इसमें बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। इसरो ने बताया प्रशांत नायर बैक अप होंगे और इस महीने के पहले हफ्ते से शुरू होगी ट्रेनिंग। हमास चीफ इस्माइल हानिया को कतर की राजधानी दोहा में किया गया स्पूदे खाक। कतर के शाही कब्रिस्तान लुसेल में दफना